Hello everyone, in this video I am going to explain the poem that is the daffodils. First of all, I want to tell you what is the meaning of daffodils. It's light yellow color flowers that are called the daffodils, like you can see in this one picture, light yellow color flowers. So, this poem is written by William Wordsworth. here you can see the writer by william wordsworth now start line to line explanation i wandered lonely as a cloud wandered क्या होता है इधर-उधर घूमना मैं घूम रहा था lonely मतलब अकेला as a cloud एक बादल की तरह मैं इधर-उधर अकेला घूम रहा था that float on high over vales and hills Vales क्या होती हैं valleys ये जो वेल्स हैं क्या होती हैं वैलीज़ जहाँ पे फ्लोट करता है जो इधर उधर उड़ता फिरता है फ्लाई करता है कि इसमें हाई ओवर द वैलीज वैलीज में और हिल में हिल क्या होती हैं पहाड़ियों में वैन ऑल एट वंस आई सा अ कराउड जब मैंने क्राउड क्या होता है भीड़ जब मैंने एक भीड़ को देखा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स होस्ट क्या होता है इन अ लार्ज नंबर जो बहुत ज़्यादा काउंटिंग में होती हैं क्या थे हैं वहाँ पर गोल्डन डेफोडिल्स जैसे मैंने आपको बताया डेफोडिल्स फ्लावर किस कलर के होते हैं येलो कलर के सो येलो इज़ कम्पैरि कंपेरिजन ऑफ गोल्डन बिसाइड द लेक लेक के पास बी ना इथ द ट्रीज ट्रीज़ के पास फ्लटरिंग एंड डांसिंग फ्लटरिंग होता है मूविंग विद द विंड हवा के साथ हिल रहे थे और डांस कर रहे थे इन अ ब्रीज तो ये क्या थे फ्लटर कर रहे थे किसमें ब्रीज़ में हवा के साथ हिल रहे थे और डांस कर रहे थे जो डेफोडिल्स फ्लार थे कंटिन्यू एज अ स्टार दैट शाइन जैसे स्टार शाइन करता है ऐसे ये भी शाइन कर रहे थे द ट्विंकल ऑन द मिल्की वे मिल्की वे में जो हमारी गलेक्सी है उसमें क्या कर रहे थे ट्विंकल कर रहे थे ट्विंकल क्या होता है जैसे स्टार कभी उनकी लाइट तेज़ दिखती है कभी क्या दिखती है धीरे दिखती है दैट मीन जग जगमगा रहे थे दे स्ट्रैच इन नेवर एंडिंग लाइन ये ऐसे स्ट्रेच स्ट्रेच क्या होते हैं फैले होने वो ऐसे फैले हुए थे जैसे नेवर एंडिंग लाइन वो लाइन ख़त्म ही ना हो कभी अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द वे मार्जिन किसको बोलते हैं हम एज को किनारे को मार्जिन जो है उसका किनारा और बे किसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द वाटर सराउंडेड बाय लैंड मतलब पानी का कोई आ, पानी का कोई किनारा जहाँ पे भी सारे डेफोडील्स क्या थे फैले हुए थे और ये नेवर एंडिंग पोजीशन में थे जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था टेन थाउजेंड्स आर एट वन ग्लैंस ग्लैंस क्या होता है इन्ना क्विक लुक मतलब एक लुक में ही उसने कितने डेफोडील्स देख लिए थे टेन थाउजेंट डेफोडील्स फ्लार देखे थे टॉसिंग देयर हैड इन सपराइटली डांस टॉसिंग क्या होता है मूव टू मूव एंड फ्रो वो अपना मतलब आ, क्या कर रहे थे मूव कर रहे थे वो देयर हेड जो फ्लार का ऊपर वाला हेड होता है ना उसको मूव कर रहे थे इन सपराइटली सपराइटली क्या होता है लिवली डांस मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे जिंदा डांस हो ये फ्लार्स अपने ऊपर वाले हेड को ऐसे हिला रहे थे जैसे वो जिंदा हूँ और वो डांस कर रहे हूँ द बेब्स बिसाइड दैम डांस जो उनके पीछे वेव्स थी जो तरंगे थी जैसे मैंने आपको बताया वो पानी के किनारे पे थे वो भी डांस कर रही थी वट दे आउट डिडन्ट स्पार्कलिंग वेव्स इन अ ग्ली सो वट इज द मीनिंग ऑफ ग्ली ग्ली जो जॉय खुशी से और वट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग क्या होता है जो चमक देते हैं हमें और वेव्स क्या होती है तरंगे मतलब जो चमकती हुई तरंगे है ना वो जॉय क्रिएट कर रही थी वहाँ पे खुशी क्रिएट कर रही थी अब पोइट कुड नॉट बट बी गे अ पोइट है जो मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि वो आ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ उसका जो गे होता है जैसे हम किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं लाइट हार्टेड हो जाते हैं ऐसे फील करता है पोइट इन सच अ जैकंड कंपनी जैकंड कहते हैं फुल ऑफ लाफ्टर एंड जॉय जो की पूरी खुशियों भरी कंपनी है फ्लार्स की उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा फील कर रहा था आई गेस्ड एंड गेज गेस्ड का मतलब था फिक्स टाइम ऑन थम थिंग और लुकिंग अटेंटिवली जब हम किसी चीज़ पे एक ही नज़र टका के बैठ जाते हैं उसको बोलते हैं लुकिंग अटेंटिवली और फिक्स टाइज ऑन समथिंग वेट लिटल थाट बट वो अपने माइंड में कुछ सोच रहा था और लगातार उन फ्लार्स की तरफ देखी जा रहा था वट बेल्थ द शो टू मी हैड बॉड कि ये किस चीज़ की वेल्थ वेल्थ क्या होता है हमारा धन किस तरफ का ये धन है जो उसको ये शो कर रहे हैं जो उसको यहाँ से देखने को मिल रहा है फॉर ऑफ ऑफ्ट क्या है ऑफ्टन शॉर्ट की ऑफ्टन की शॉर्ट फॉर्म है ऑफ्ट वेन ओन माई कस ये होता है सोफा जहाँ पे वो लेटा हुआ था मतलब जैसे फ्लावर्स के ऊपर या ग्रास के ऊपर लेटा हुआ था जहाँ पे कहता है मैं लेटा हुआ था इन वैकेंट और इन पेंसि मूड जो उसका वैकेंट मूड था वैकेंट क्या है जो उसका विदाउट थॉट जब वो कुछ भी नहीं सोच रहा था उसको बोलते हैं वैकेंट जिसको हम खाली बोलते हैं और पेंसिव क्या होते है थाटफुल जब हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं अपने माइंड में खाली मूड में कुछ ना कुछ जो अपने माइंड में सोच रहे हैं दे फ्लैश अपन द इनवर्ड द फ्लैश फ्लैश अपॉन फ्लैश क्या होता है अपीयर सडनली जो चीज़ अचानक से अपीयर हो जाती है जैसे हम मोबाइल की फ्लैश ऑन करते हैं अचानक से हमें कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है अपवर्ड अप ऑन द इनवर्ड आई इनवर्ड आई के अंदर विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलीट यहाँ पे आपको बता दूँ ब्लिस का मतलब क्या होता है कंप्लीट हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुशियाँ होना और सॉलीट्यूड क्या होता है लोनलीनेस में उसको अपने अकेलेपन में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फील्स अब उसका दिल है जो खुशी से भर जाता है एंड डांसिज विद द डैफोडिल्स और डांस करता है डेफोडिल से जो फ्लार्स हैं उनके साथ मिलके इसका दिल क्या करता है डांस करता है सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम डेफोडिल्स दैट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सपोर्थ यू हैव इंजॉयड दिस पोइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मे यूर मोर मोर एंड मोर स्पोर्ट थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग